ये सारी चीज़ें ना एक प्रोसेस में होती हैं। जब कोई पेशेंट एंजाइटी में होता है वो अपनी प्रोबेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देता है। हेलो एवरीवन, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एज बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट सबसे पावरफुल टूल, सबसे पावरफुल टेक्निक जो मैं आज तक अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने पेशेंट्स के साथ यूज़ करता हुआ आया हूँ, वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दो तरीके से डिवाइड होती है, कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी में क्या होता है, ज़्यादातर जो हमारा काम है वो हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर होता है, हमारे थिंकिंग पैटर्न के ऊपर होता है, हमारी माइंड की वर्किंग के ऊपर होता है, माइंड की प्रोसेसिंग के ऊपर होता है। जैसे कि एंजाइटी में अगर कोई पेशेंट होता है तो उनको बहुत बार अपने आप को वो थ्रेट जैसी सिचुएशंस में इमेजिन करते हैं, थ्रेट जैसी सिचुएशंस को सोच सोच के वो लोग फियरफुल होते रहते हैं, घबराहट में जाते रहते हैं। अब कॉग्निटिव थेरेपी क्या करती है, कॉग्निटिव थेरेपी सबसे पहले जो वो थ्रेट है वो कितना लॉजिकल है और कितना इलॉजिकल है उसके बारे में एक इंडिविजुअल को अवेयर करती है। कि हम अपने आप से सवाल पूछना शुरू करते हैं कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू, ये सारी चीज़ें ना एक प्रोसेस में होती हैं। तो जो हमारे थ्रेट हैं वो थ्रेट लॉजिकल भी हो सकते हैं, वो थ्रेट इलॉजिकल भी हो सकते हैं, बट एज बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मेरे पास कोई पेशेंट, कोई क्लाइंट एक प्रोसेस में आते हैं CBT के, उस प्रोसेस में हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये आपका थ्रेट आपको लग रहा है कि ये आपको नुकसान पहुँचा सकता है, ये लॉजिकल है इलॉजिकल है? तो वो हमसे बोलते हैं कि है तो ये इलॉजिकल, तो फिर भी हमें इसके, फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि फिर भी आपको इसके बारे में सोच के, इसके बारे में समझ के डर क्यों लग रहा है? तो वो मुझे ज़्यादातर मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मुझे वो जवाब दे सकते हैं वो ये होता है कि 0% प्रोबेबिलिटी तो नहीं है ना। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के बीच में जो फ़र्क है उसी की सारी अंडरस्टैंडिंग है। रोड पे चलते हुए बेल्ट पहनी हुई है, रेड लाइट आप फॉलो कर रहे हो और स्पीड लिमिट पे चला रहे हो, उसके बाद भी अगर कोई आपको टक्कर मारता है या किसी के साथ कार हिट हो जाती है तो उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट के होने की कम थी, फिर भी हो गया। अब उसमें सामने वाले की गलती है या उस टाइम पे वो होना था उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। वैसे ही हमारी एंजाइटी के, जब कोई पेशेंट एंजाइटी में होता है तो उसके साथ भी ये बहुत बार हो रहा होता है कि वो अपनी प्रोबेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देता है।